क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर DTH टच पर। एक बार फिर से नए चैनलों के बारे में नई अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आज बात करेंगे कुल 10 नए चैनलों के बारे में। एक एक चैनल के बारे में जानकारी आपको देंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये चैनल आपको कौन से सैटेलाइट पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारी ये इच्छा होती है कि आपको भी जो हमें जानकारी मिलती है आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप बहुत सारा हमारे YouTube चैनल को प्यार दे रहे हैं, वीडियो को प्यार दे रहे हैं। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, कोई फेक न्यूज़ हमारे चैनल पर नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप जाके पहले YouTube पर जाके Google पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ऐसे चैनल है या नहीं। और CC कैम के बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। मेरे भाई ने कमेंट किया था कि CC कैम के बारे में भी अपडेट दें, उसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे और इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कौन से नए चैनल हैं जो अलग अलग सैटेलाइट पे शुरू किए जाएंगे और DD फ्री डिश पर चैनल कब से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे। जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन करना, आगे से जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आए, उसके बाद उस वीडियो को भी देख पाएँ। बहुत सारे भाई मुझे पूछ रहे थे कि जी स्पोर्ट्स कब से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड मार्केट जारी हो चुका है लेकिन अभी तक इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं की गई, क्योंकि जी नेटवर्क की ओर से एक बार फिर से जी स्पोर्ट्स वापसी करने जा रहा है। जहाँ पर आपको बता दूँ कि स्पोर्ट्स के बहुत सारे चैनल ऐसे आ चुके हैं जो कि कलर्स नेटवर्क की ओर से भी लॉन्च किया गया है, जो DD फ्री डिश पर भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी वजह से आप जी नेटवर्क की ओर से जी स्पोर्ट्स एक बार फिर से वापसी करेगा और ये चैनल आपको आने वाले समय में पेड ऑपरेटरों के पास तो देखने के लिए मिलेगा और DD फ्री डिश का भी हिस्सा बन सकता है। अगले चैनल की बात करें तो रहेगा एम म्यूजिक, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 78° ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे, जो कि जहां पे आपको पंजाबी और हिंदी म्यूजिक देखने के लिए मिलता है और कम से कम 6 फीट का डिश एंटीना चाहिए। अगले चैनल की बात कर लें तो जिसकी जान के आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम है स्टार उत्सव 2। इसकी जान के लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि ये चैनल जुलाई के लास्ट में टेस्टिंग पर शुरू हो सकता है Asiasat 7 पर। अगले चैनल की बात करें तो एक नया एंटरटेनमेंट चैनल शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम रहेगा अपना TV। अपना TV एक हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल रहेगा। इसकी टेस्टिंग की बात करें तो 83 ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है, उसके बाद ये चैनल सभी पेड ऑपरेटरों के पास और DD फ्री डिश पर देखने के लिए मिल सकता है। अगले चैनल की बात कर ले तो रहेगा सहारा 1। इसकी तो बहुत ज़्यादा मंदा हाल तो हो चुकी है, क्योंकि ये चैनल अभी तक ना तो डिश टीवी के पास है ना टाटा प्ले के पास है और पेड ऑपरेटरों के पास ये चैनल अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको Asiasat 7 105° सी बैंड के सैटेलाइट पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में चैनल आपको DD फ्री डिश पर भी देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर आपको नए सीरियल और ओल्ड सीरियल भी देखने के लिए मिलते हैं। अगले चैनल की बात करें तो रहेगा स्टार लाइफ। स्टार लाइफ आपको पहले बता दूँ, पहले आपको स्टार बॉक्स देखने के लिए मिलता था, जो कि आपको बॉक्स लाइफ के नाम पर था, उसको रीब्रांड कर दिया गया, तो जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का यानी कि चैनल था जिसका नाम हो चुका है स्टार लाइफ। ये ज़्यादातर आपको पेड ही देखने के लिए मिल सकता है। अगले चैनल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कि दूरदर्शन नेटवर्क की ओर से कौन कौन से नए चैनल शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले बता दूं कि 3 नए चैनल शुरू हो सकते हैं, DD किड्स, DD सिनेमा और DD मूवीज़। ये तीनों में से देखते हैं कौन सा चैनल पहले DD प्रसार भारती लॉन्च करता है और आपको बिना ई ऑप्शन के DD फ्री डिश पर कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। अगले चैनल की बात करें तो रहेगा संगीत भोजपुरी। है चैनल आपको 83 ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे एक भोजपुरी संगीत चैनल है, जहां पे भोजपुरी आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलता है और ये भी चैनल आने वाले समय में आपको DD फ्री डिश पर देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद कुछ और चैनल की बात करें तो शुमारो क्लासेस, शुमारो बॉलीवुड पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और ये चैनल नेक्स्ट ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की जाएगी, उसमें बाद आपको शुमारो नेटवर्क की ओर से ये चैनल देखने के लिए मिल सकते हैं, 100% देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि शुमारो नेटवर्क के सभी चैनल आपको पहले भी DD फ्री डिश पर देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह आगे से भी शुमारो क्लासेस, शुमारो बॉलीवुड भी देखने के लिए मिलेंगे। खास बात यह रहेगी कि 2 नए चैनलों के और ट्रेंड मार्क जारी कर दिए गए हैं, एक आपको बता दूं कि शुमारो भक्ति और दूसरा चैनल रहेगा शुमारो गाना। जी हाँ दोस्तों, ए चैनल का भी टेस्टिंग ट्रांसमिशन 83 ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे शुरू हो सकता है और बहुत सारे ऐसे चैनल जो आपको आने वाले समय में DD फ्री डिश पर देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग सैटेलाइट पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ये चैनल सभी पेड ऑपरेटरों के पास और आने वाले समय में आपको ये चैनल DD फ्री डिश पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ गई होगी। जब आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप पे जरूर शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन यार प्लीज़ ऑन कर लेना, आगे से जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपका नोटिफिकेशन आए, उसके बाद उस वीडियो को भी आप देख पाएँ।
चैनल को सपोर्ट करें और इसी तरह आपको आगे से भी लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाके प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।